यूपी के सीतापुर में बिजली समस्या से दो चार हो रहे उपभोक्ताओं को मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी ने एक बेहतरीन तोहफा देते हुए नेरी विद्युत सब स्टेशन पर लगाए गए नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति करने की पूर्व में उनके द्वारा की गई घोषणा को अमली जामा पहना दिया गया है। मालूम हो कि मोहली तहसील क्षेत्र में लो वोल्टेज और ओवरलोड के चलते हजारों उपभोक्ता परेशान थे। विधायक मोहली ने नेरी स्थित पावर हाउस में 5 MVA ट्रांसफार्मर की बजाय 10 MVA ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर मोहली तहसील के साथ साथ लगभग 200 गांवों को लो वोल्टेज और कटौती से निजात दिलाने का काम किया है। ट्रांसफार्मर लगने से शहर ही नहीं वरन ग्रामीण इलाके के लोगों में हर्ष व्याप्त हो गया है। इस मौके पर मोहली SDO शैलेंद्र पांडे, जूनियर इंजीनियर नेरी प्रधान मुकेश मिश्रा, सौरभ मिश्रा, मनीष त्रिपाठी, मनोज मिश्रा सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। जी, आज आपने क्षेत्र के जनता के लिए महत्वपूर्ण तोहफा दिया है, क्या है पूरा मामला? मोहली में जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ बत्ती की लगातार समस्या हो रही थी, तो मैंने यहाँ के अधिकारियों से, SDO से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बैठ के जब बात की, चर्चा की, तो पता चला कि एक फीडर, एक पावर हाउस की कमी है और दूसरा यहाँ पर एक क्षमता कम थी। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जाके मैंने बात की, उनको मैंने बताया कि यहाँ पर अगर क्षमता बढ़ा दी जाए, और हम लोग सक्षम हैं क्षमता बढ़ाने में, तो कह लगे पिछले कई वर्षों से क्यों नहीं बढ़ाई गई, हमने कहा वो उसी लिए वो बाहर चले गए। तो उन्होंने तुरंत उसका संज्ञान लिया और 5 MVA को 10 MVA में परिवर्तित किया और आज उसी का उद्घाटन हुआ है और क्षेत्र की जनता को अब निर्बाध बत्ती, लगातार बत्ती मिला करेगी। सर, बरगावा फीडर कब तक चालू हो रहा है? बरगावा के लिए भी उन्होंने लेटर भेज दिया है और उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बहुत ही जल्दी शीघ्र, क्योंकि समय लगता है, कागजी कार्रवाई में भी समय लगता है, फिर कंस्ट्रक्शन में भी काम थोड़ा समय लगेगा, तो बहुत ही जल्दी वो शुरू हो जाएगा। अब शुरू होगा ये तय है।